यह क्वेश्चन यूपीएससी 2024 का है, इसी महीने का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोला गया है कि इसका योगफल किससे कटेगा। ऑप्शन में प्रयोग किया गया है 2, 3 और 37, 2, 3 और 37। तब तो आपको रूल जानना पड़ेगा। तो अब रूल जानिए, कोई अंक यदि 3 बार रिपीट कर जाए, 1, 2, 3 बार, तब वह 3 और 37 से जरूर कटता है। आ यदि 6 बार रिपीट कर जाता तब वो कटता है 3, 7, 11, 13 और 37 से। लेकिन ये 3 ही बार रिपीट हुआ है तो 3 और 37 से जरूर कटेगा। तो यहां पर देखिए 3, 37 दिया है, यहां 3, 37 दिया है, तो ये दो को ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब ऑप्शन बी होगा या तो डी होगा। तो बी में कहता है कि 3, 37 से कटेगा लेकिन 2 से नहीं कटा है, 2 से नहीं कट रहा है। बी कहता है कि 2 से भी कटेगा। अब हमको देखना है कि 2 से कटेगा कि 2 से नहीं कटेगा। तो 2 से विभाजित होने का, डिवाइड होने का रूल है, अंतिम अंक 0 हो या 2 से विभाजित हो। तो पहले हमको इसका अंतिम अंक, यूनिट प्लेस का डिजिट, इकाई अंक पहले पता करना पड़ेगा। तो इकाई अंक पता करने का रूल जानते हैं, ऐसे है, इसका इकाई अंक लिख दीजिए 2, इसका इकाई अंक लिख दीजिए 3। अब क्या करना है कि पावर के अंतिम 2 अंक 33 हो गया, इसमें 4 से भाग दे के शेष निकालना है। तो 8 चौका 32, शेष बच जाएगा 1, यहाँ पर 1 लिख दिए। इसका अंतिम 2 अंक हो गया 22, 22 में फिर 4 से भाग दीजिए तो शेष बच जाएगा 2, 4 पचे 20, यहाँ पर लिख दीजिए 2। फिर कुछ लोग कमेंट करके पूछेंगे कि 4 से काहे भाग देते हैं, तो 4 बार में अंक रिपीट करता है इसीलिए 4 से भाग दिया जाता है। तो आइए, तो ये हो गया आपको 2, आ 3 स्क्वायर हो गया 9, 9 और 2 11, अंतिम अंक आ गया 1। तो यदि अंतिम में 1 होगा तो क्या 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो ये कहता है कि 2 से कटेगा, ये कहता है कि 2 से नहीं कटेगा, तो ये सही कह रहा है, ये गलती कह रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। यदि आपको हमारा वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा तब तो और अच्छा लगेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।